गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 14 चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम आरएस अग्रवाल फॉर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, रूट थ्री की वैल्यू यूज़ करना है 1.732। पहले स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले ये देख लीजिए कि पेडेस्टल क्या होता है। पेडेस्टल एक तरीके का प्लेटफॉर्म होता है, बेस, जिसके ऊपर कोई भी इस स्टैचू को जो है स्टैंड किया जाता है, माउंट होता है। ठीक है ना, उसी तरह देखिए क्या है, स्टैचू 1.46 मीटर टॉल है जो कि पेडेस्टल पे स्टैंड है। ठीक है ना, आइए सबसे पहले स्टूडेंट पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है ना, देखिए स्टैचू क्या है, 1.646 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। ठीक है ना, चलिए ये बना लेते हैं। ये एक पेडेस्टल है, ठीक है ना, इसके ऊपर स्टैचू है जो कि यहाँ पे ऐसे है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू ये है, इसका टॉप ये है, तो ग्राउंड पे इसका जो है कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, यानी ये एंगल 60 है। क्या है ये एंगल, ये स्टैचू का टॉप ये है, इससे जो ग्राउंड पे, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। ठीक, और क्या बोल रहा है, देखिए, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप ये है, तो ये एंगल जो इन्होंने दे रखा है, ये कितना है, देखिए, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल 45 डिग्री, यानी ये एंगल कितना है, चलिए इसको यहाँ से देख लीजिए, ये एंगल तो मेरा पूरा 60 डिग्री है, ठीक है ना, और ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है। ठीक, मुझे निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो देखिए क्या ले लें, पी क्यू आर और एस, मैंने इसकी नेमिंग कर दिया है। ठीक, ये जो हाइट दिया है, ध्यान से दीजिए कितना है, 1.46, इसको मार्क कर दीजिए, ये 1.46 मीटर। ठीक, ये हाइट मुझे निकालना है, इसको हम सपोज कर लेते हैं एच है, क्या है, H हमने सपोज कर लिया है। अब मेरे पास दो फिगर है, पी क्यू आर, पी क्यू एस, देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, देखिए क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू। ठीक, देखिए टेन 45 की वैल्यू होती है 1, क्यू आर अपॉन पी क्यू, पी क्यू इंटू 1 करेंगे क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, यानी पी क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, क्यू आर, इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है। क्लियर है स्टूडेंट, ये साइड क्या है, इस साइड के बराबर है, इधर ये मेरा 90 ऐसे है। ठीक, अब क्या है, बड़ा ट्राइंगल लेते हैं पी क्यू एस, देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू एस ये लिया हमने, तो पी क्यू एस में देखिए हम लेने जा रहे हैं टैन 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्यू एस अपॉन बेस, बेस क्या है, पी क्यू है, रख दीजिए पी क्यू। ठीक, टैन 60 की वैल्यू रूट थ्री, यहाँ पे रूट थ्री पुट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, क्यू और एस, तो क्यू एस क्या हो जाएगा, देखिए क्यू आर प्लस आर एस
अपॉन पी क्यू। क्लियर है? और स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें, पी क्यू और क्यू आर दोनों इक्वल आए हैं, और क्यू आर हमने क्या सपोज किया था, एच। अगर ये एच है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि उससे हमने एच सपोज किया, तो ये भी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए रूट थ्री इज इक्वल टू क्यू आर, हमने एच सपोज किया है, प्लस आर एस क्या है, ठीक है ना, आर एस में रखे जाए 1.46 ठीक अपॉन पी क्यू, ये भी क्या हो जाएगा, पी क्यू मेरा एच, तो रूट थ्री एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट थ्री एच इज इक्वल टू एच प्लस 1.46। इसको इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा, रूट थ्री एच माइनस एच इज इक्वल टू 1.46, ठीक है ना। एच कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू 1.46। अब रूट थ्री की वैल्यू क्या लेनी, 1.73 ले लीजिए, 1.73 माइनस वन इज इक्वल टू 1.46। क्लियर? आइए नेक्स्ट पेज पे, क्या है, एच इंटू 1.73 माइनस वन इज इक्वल टू 1.46, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1.73 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0.73 इज इक्वल टू 1.46, ठीक। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 1.46 अपॉन 0.73, बराबरी पे पॉइंट है, यानी डेसिमल के बाद दो डिजिट यहाँ पर भी है, दो डिजिट यहाँ पर भी है, बराबरी पे पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया 146 अपॉन 73, 2 3 6 2 7 14 कितना आ गया, 2। तो यानी मुझे एच की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 2 आ गई। मुझे निकालना था हाइट ऑफ द पेडेस्टल, जिसको हमने एच सपोज किया था, तो यहाँ से देखिए हाइट ऑफ पेडेस्टल कितना आ गया, 2 मीटर। क्लियर है? अब आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री, ठीक। सबसे पहले तो यहां तक का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर, एक अनफिनिश्ड टावर है, ठीक है ना, ये मेरा अनफिनिश्ड टावर है, तो ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी टॉप का एंगल, ठीक, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 75 मीटर, और ये एंगल भी दे रखा है 30, ठीक। अब क्या बोल रहा है, हाउ मच हाइयर मस्ट द टावर बी रेज्ड, अब यानी कितना और इसको बड़ा करें, यानी कितना और इसे कितनी हाइट तक ले जाएं, ठीक, ताकि इसका जो एंगल है इस पॉइंट से कितना हो जाए, 60 डिग्री, कितना हो जाए, 60, ठीक है, कितना हो जाए स्टूडेंट, 60 डिग्री हो जाए। क्लियर है? यानी उसे और कितना रेज करें कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए स्टूडेंट, 60 डिग्री। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे हमने इसको मिला देंगे, ठीक, ये आ गया, ठीक, ये है, तो ये एंगल तो 30 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना, के एल एम और एन हमें निकालना क्या है, देखिए हमें ये निकालना है, हाउ मच हाइयर मस्ट द टावर बी रेज्ड सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप एट द सेम पॉइंट में बी 60 डिग्री। तो हमको ये निकालना है, ठीक है ना, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं x, क्या सपोज कर लेते हैं x, चलिए आइए
हमारे पास दो फिगर है के एल एम और के एल एन। इन ट्राइंगल के एल एम लिया है, क्या हो जाएगा देखिए, टैन 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एम एल अपॉन के एल। टैन 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू एम एल अपॉन के एल। के एल दिया हुआ है 75, तो यहाँ पे हम लोग 75 रख देंगे। तो देखिए एम एल क्या हो जाएगा, 75/√3 क्या हो जाएगा, 75/√3 ठीक है ना। कितना गया स्टूडेंट, क्लियर है स्टूडेंट, ये मेरा आ गया 75/√3। चलिए तो देखिए ml यहां से कितना हो जाएगा, 75/√3, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 75/√3/3 ठीक। चलिए तो ये मेरा ml आ गया, अब मुझे mn निकालना है। देखिए इन ट्राइंगल KLN इसमें क्या आएगा, tan 60 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल 60 है, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एल एन अपॉन के एल। टेन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3, परपेंडिकुलर है एल एन, यानी क्या हो जाएगा एम एल प्लस एन एम, और बेस क्या है के एल ठीक। वैल्यू रख दीजिए, देखिए क्या है √3 इज इक्वल टू एम एल, क्या है एम एल, तो एम एल की वैल्यू क्या आई है देखिए, 75/√3/3 प्लस एन एम डिवाइडेड बाई के एल, डिवाइडेड बाई के एल की वैल्यू क्या है 75, यहाँ रख दीजिए, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 75/√3 ठीक। 75/√3 इज इक्वल टू 75/√3/3 प्लस एन एम। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है ना। अब आइए चलिए आगे देखते हैं, चलिए आइए देखिए मेरा क्या आया है, 75/√3 इज इक्वल टू 75/√3/3। और स्टूडेंट देखिए एन एम को हमने एक्स मान लिया, तो इसको हम एक्स कर देते हैं, ठीक है ना। अब हमें एक्स निकालना है, इसको इधर लेके आइए, क्या हो जाएगा देखिए, 75/√3 माइनस 75/√3/3 ठीक इज इक्वल टू एक्स। 75/√3 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा देखिए 1-1/3 इज इक्वल टू एक्स ठीक। 3 × 1 = 3 और 1 × 2/3 क्या आ जाएगा, 75/√3 3 × 1 = 3 और -1 क्या हो जाएगा 2/3 ठीक। ये मेरा क्या हो गया स्टूडेंट, क्लियर, ये मेरी x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई स्टूडेंट, x की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट देखिए मुझे मुझे निकालना है, ठीक है, हमें देखिए स्टूडेंट हमें जो निकालना था वो हमें निकालना था कि हाउ मच हाई मज द टावर बी रेस्ड, हाउ मच हाई मज द टावर बी रेस्ड, तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये क्या हो जाएगा 150√3/3 ठीक इज इक्वल टू एक्स। देखिए 3 × 1 = 3 3 × 5 = 15 0 कितना आ गया स्टूडेंट,
फिफ्टी अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स, और रूट थ्री की वैल्यू हमें जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है 1.732, यूज़ कर लीजिए 1.732 इंटू 50, ठीक इज इक्वल टू एक्स। देखिए 5 2 10 कैरी वन, 5 3 15 1 16 कैरी वन, 5 7 35 36, 5 1 5 6 7 8 और साथ में 10, 1 2 3 1 2 3 इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए एक्स की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, 86.6, जो कि ये आया है क्योंकि मीटर में है, तो हमें ये भी मीटर में हो जाएगा। और हमें निकालना था हाउ मच हाई मस्ट द टावर बी रेस्ड, तो जो टावर की जो एक्स्ट्रा हाइट है यानी कितना ऊंचा किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा हाइट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 86.6 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, कंप्लीट हो गया है। अब स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। चलिए आइए देखिए, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर विद अ फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है ना। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक वर्टिकल टावर है, उसके ऊपर एक फ्लैग पोल है, देखिए उसके बाद एट अ पॉइंट 9 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल 60° एंड 30°, ठीक है ना। सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर लें, देखिए स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे देखिए, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे आइए, ठीक है, देखिए ये टावर है, ठीक है ना, इसके ऊपर एक फ्लैग पोल है, ठीक, एट अ पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट है तो इससे 9 मीटर अवे, ठीक, क्या बोल रहा है, ये 9 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल, ये फ्लैग पोल है तो ये फ्लैग पोल का टॉप ये है और बॉटम ये है, क्लियर। तो देखिए क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल, तो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो ये टॉप है, ठीक, ये बॉटम है, क्लियर है, कितना दिया हुआ है 60 एंड 30, यानी ये एंगल कितना है 30° है, और ये एंगल कितना दिया हुआ है 60° दे रखा है, क्लियर। हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द फ्लैग पोल माउंटेड ऑन इट, एक तो हमें टावर की हाइट निकालनी है, एक फ्लैग पोल, यानी दोनों ही निकालना है, ठीक है ना। देखिए नेमिंग कर दीजिए एम एन ओ पी, क्लियर है, और रूट थ्री की वैल्यू क्या लेनी है स्टूडेंट, 1.73, क्या लेना है 1.73, ये 90 एंगल है 90°। देखिए हमें क्या क्या निकालना है, हमें दोनों चीज़ निकालना है, हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है और फ्लैग पोल भी निकालना है, हाइट ऑफ टावर ये है, फ्लैग पोल ये है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं H है, और इसको मान लेते हैं X, क्या है X, तो देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है इन ट्रायंगल एम एन ओ, एम एन ओ, ठीक, क्या हो जाएगा देखिए, टैन 30° इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ओ एन अपॉन एम एन, टैन 30 की वैल्यू रख दीजिए 1/√3 इज इक्वल टू ओ एन एच अपॉन एम एन, 9 है, एच की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा देखिए, एच की वैल्यू 9/√3, ठीक, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो गया √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, क्या हो जाएगा 9√3/3, 3 3 9, तो कितना आ गया 3√3, क्या आ गया
थ्री अंडर रूट थ्री, क्लियर है स्टूडेंट। और देखिए रूट थ्री की वैल्यू क्या लेना है, 1.73 पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 × 1.73, 3 3 ज़ा यहीं पे कुछ, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 2 5, 1 2 1 2, कितना आ गया स्टूडेंट 5.19 मीटर, क्लियर है। तो मैं देखिए हाइट ऑफ द टावर तो हमने काफ़ी इजीली निकाल लिया है, विच इज इक्वल टू 5.19 मीटर, क्लियर है। अब हम लोग निकालेंगे हाइट ऑफ द फ्लैग पोल, ठीक है। आइए देखिए, देखिए इस बार क्या है, इन ट्रायंगल MNP ये है, क्लियर है। देखिए क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, ठीक, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी NP/MN, tan 60 की वैल्यू रूट थ्री, NP क्या हो जाएगा देखिए NO+OP/MN, ये रूट थ्री है। NO की वैल्यू अभी हमने निकाली है, जिसको हमने H सपोज किया था वो आया है 5.19, डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना, प्लस OP को हमने X मान रखा है, और साथ में MN है 9, कितना है 9 है, चलिए तो ये हो जाएगा 9√3 = 5.19 + x, वैल्यू रख दीजिए रूट थ्री की वैल्यू जो हमें दिया गया है, कितनी दिया गया है 1.73 रख दीजिए, = 5.19 + x, मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 3 = 27, 2 कैरी, 9 7 = 63, 64 65, 6 कैरी, 9 1 = 9, 9 6 15 = 5.19 + x, एक्स की वैल्यू निकालनी क्या हो जाएगा 15.57 - 5.19 = x, ठीक है स्टूडेंट, इतना हो गया है, क्लियर है। माइनस कर दीजिए, देखिए 17 - 9 = 8, ठीक, 4 4 - 1 = 3, ठीक, एंड 15 - 5 = 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10.38, ठीक है ना। और स्टूडेंट ये मेरा है हाइट ऑफ फ्लैग पोल, क्या है x ही मेरा क्या था हाइट ऑफ फ्लैग पोल, तो क्या हो जाएगा हाइट ऑफ फ्लैग पोल इज इक्वल टू 10.38 मीटर, क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने काफ़ी इजीली कंप्लीट कर लिया है, अब इससे आगे के जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन ऑल द स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।